नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ जीवन सूत्र के चौथे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोतियाबिंद को रोकेंगे और कैल्शियम घटाकर सर्जरी का रिस्क कम करेंगे। आइए पहले यह समझते हैं कि मोतियाबिंद कब, क्यों और कैसे होता है। आसान भाषा में समझे तो आंखों पर सफेद चकत्ते जैसे पेच बनने को ही मोतियाबिंद कहते हैं। ऐसा होने पर इंसान को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। मरीजों को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, खास करके रात में। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो मरीज स्थायी तौर पर दिखना बंद हो सकता है। यह बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है। बढ़ती उम्र में अगर स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन करते हैं तो मोतियाबिंद का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह बीमारी बढ़ने वाले रिस्क फैक्टर्स हैं। अब जानते हैं कि मोतियाबिंद होने की क्या वजह है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, नतीजा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो लेंस से जुड़े टिश्यू को डैमेज करता है और आंखों के लेंस में कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है। ऐसा होने पर सबको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके इलाज के तौर पर सर्जरी की जाती है जो करीब 30 मिनट तक चलती है। सर्जरी के दौरान आंखों में छोटा सा चीरा लगाकर पुराने लेंस को हटाकर नया लेंस लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि नए रिसर्च कि कैसे यह रिसर्च सर्जरी के रिस्क को कम करेगी। नए इम्प्लांट को अमेरिकी फार्मा कम्युनिटी नेक्यूटी फार्मा टिल्स ने तैयार किया। इम्प्लांट का नाम है NPI-002। कंपनी का दावा है कि इस इम्प्लांट की मदद से काफी हद तक मरीजों की सर्जरी रोकी जा सकेगी। कंपनी का कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे इस छर्रे नुमा इम्प्लांट को मरीज की आंख में इंजेक्ट किया जाता है। यह इम्प्लांट धीरे धीरे एंटीऑक्सीडेंट को रिलीज करता है। यह केमिकल मोतियाबिंद कैंसर को कम करने का काम करता है। अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने जानवरों पर इस इम्प्लांट का प्रयोग किया है। रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया कि यह गंभीर से गंभीर मोतियाबिंद असर को घटाता है। इसकी मदद से आंखों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है और पहले के मुकाबले कैल्शियम की मात्रा 2.5 गुना तक कम हो जाती है। इस इम्प्लांट का क्लिनिक ट्रायल चल रहा है। पहला ह्यूमन ट्रायल जल्द शुरू होगा। ट्रायल में 65 या इससे अधिक उम्र वाले 30 मरीजों को शामिल किया जाएगा। तो यह थी बात आंखों के रोग मोतियाबिंद की। हमने जाना कि क्या मुख्य वजह हो सकती है मोतियाबिंद होने की, तो अपने परिवार और आसपास के लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं और इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम लेके आते रहेंगे ऐसे और वीडियो क्योंकि हमें है आपकी चिंता। बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।